धरती पर प्रतिदिन पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है, जमीन के पानी का स्तर भी गिरता जा रहा है। वहीं प्रदूषण के कारण उपयोग में लाया जा सकने वाला पानी खराब हो रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के एटा का है, जहां जिले को पानी की सप्लाई देने के जिम्मेदार अधिकारी गहरी नींद में सो रहे हैं और लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। रेवाड़ी मोहल्ले में है, गंदा पानी पीने को मजबूर है। यहाँ घरों में आने वाला समर का पानी और बाहर लगे हैंडपंप का पानी कई महीनों से पीला आ रहा है और प्रशासन है कि इसकी सुध ही नहीं ले रहा है। लोगों का कहना है कि जो बगल में नाला बना है इसकी वजह से ज़्यादा समस्या आ रही है। समर का पानी भी है और नल का पानी भी है। वो आपके इधर जल निगम से बात की थी, जो हमारा वाटर वर्क्स है और नगर पालिका से टच है, वो उसने नाली लाइन में डाली थी। जो टंकियाँ बनी हुई है आवास कॉलोनी में, वो टंकी बंद है। मतलब हर घर तक पानी पहुँचे ये कोशिश है और इस कोशिश में भी बहुत शीघ्र हम लोगों का काम शुरू होने वाला है।